गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप सब कैसे हो? आज तीज है तो पूरे भारत देश में तीज के मौके पर अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम तीज के मौके पर दो डिश बनाएंगे, एक स्वीट डिश और एक नमकीन डिश। तो स्वीट डिश में मैंने सोचा है कि आज मैं चोकोलावा केक बनाऊंगी, और जो मेरी नमकीन डिश है वो नेक्स्ट डे यानी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो नए आए हैं वो मेरी पूरी वीडियो जरूर देखिए, लाइक कीजिए, और आप सब मेरी वीडियो को देख करके ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं चोकोलावा केक कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमें चोकोलावा केक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एक गिलास दूध, कोको पाउडर, ये हमारे हैप्पी हैप्पी बिस्किट है। अगर आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट के दूसरे बिस्किट यूज कर सकते हो। शुगर, ये हमारी देसी खांड है, या फिर आप चीनी को पीस करके भी उसका शुगर बना सकते हो, नहीं तो अगर आपके घर में बूरा है तो आप बूरा भी यूज कर सकते हो। ये है हमारा देसी घी जिससे कि हम बाद में ग्रीसिंग करेंगे। ये बटर जो कि मैंने मेल्ट कर लिया है। ये है हमारी डार्क चॉकलेट। सबसे पहले हम बिस्किट में दूध डालेंगे। ये ध्यान रखें कि पूरा दूध एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अगर हमें बाद में जरूरत लगती है तो हम दोबारा डाल लेंगे। और हम इसे कुछ देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए होल्ड पर छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए हमने इसको होल्ड पर छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने 10 मिनट के बाद बिस्किट्स को देखा है तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसकी सहायता से इसको और अच्छे से मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा पेस्ट कितना अच्छा बन चुका है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे। शुगर आपको कम मात्रा में ही रखनी है क्योंकि हमारे बिस्किट भी मीठे हैं। अगर आप ज्यादा शुगर डालेंगे तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इसमें 2 चम्मच शुगर डाला है। ये हमारी छोटी चम्मच है तो इससे मैं कम से कम 3 या 4 चम्मच बटर डालूंगी। मैंने 5 चम्मच बटर डाला है। एक चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। ये हमने 2 चम्मच कोको पाउडर डाल दिया है और अब सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमारा पेस्ट घुल चुका है, पर मुझे लगता है कि मेरा पेस्ट थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए इसमें थोड़ा दूध और डालने की जरूरत है। तो हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। चलिए बनाते हैं चोकोलावा केक। आज मैं 2 तरह के चोकोलावा केक बनाऊंगी। एक हम बनाएंगे ओवन में और दूसरा मिनी चोकोलावा केक बनाऊंगी मैं गैस पर। तो चलिए बनाते हैं अपना चोकोलावा केक। तो फ्रेंड्स, मैंने चोकोलावा केक के लिए अपना अपम स्टैंड गैस पर चढ़ा दिया है। इसकी हम धीमी आंच कर देंगे। और इसको मैं देसी घी से ग्रीस कर दूंगी। हमारी ग्रीसिंग पूरी हो चुकी है।
अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम इसमें चॉकलेट डालेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें दोबारा से चॉकलेट डालेंगे जो हमारा पेस्ट है, और सभी को अच्छे से ऐसे ही पेस्ट से कवर कर देंगे। फ्रेंड्स हमने सबको भर दिया है पेस्ट से। अब हम इसे 2 से 4 मिनट तक ढक के बनाएंगे। अब हम कटोरियों में भी ग्रेसिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे। कटोरियों को कभी भी पूरा ना भरें, क्योंकि ओवन में बनाते टाइम पे केक फूलता है, तो वो आपकी कटोरी से बाहर हो सकता है और अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसमें चॉकलेट डालेंगे। हम इसमें दोबारा पेस्ट डालेंगे। और अब हम इसे ओवन में 4 से 5 मिनट तक चलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम चेक करते हैं हमारे मिनी चोको लावा केक बने या अभी रह गए हैं। आप देख सकते हो एक तरफ से काफी अच्छे पक चुके हैं, तो हम अब इसे दोबारा से फोल्ड कर देंगे, इन्हें पलट देंगे। सभी को हम स्टिक के सहायता से पलट देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इनको पलट करके दोबारा से ढक दिया है। अब हम इन्हें 2 मिनट के लिए और बनाएंगे। तो फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं। हम अपने चक्कू की हेल्प से देखेंगे ये पक गए कि नहीं। फ्रेंड्स हमारे चोको लावा केक बन चुके हैं, तो अब हम इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे चोको लावा केक कितने अच्छे बने हैं। तो फ्रेंड्स आप घर में जरूर ट्राई करें। ट्राई करके मुझे कमेंट करें कि आपको मेरा मिनी चोको लावा केक और मीडियम साइज केक कैसा लगा। फ्रेंड्स आपने देखा मैंने चोको लावा केक कैसे बनाया है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत इजी है और सभी को पसंद आएगी, खास करके बच्चों को। तो प्लीज फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।